अष्ट आराध्य देव के, जिनमें प्रमुख रूप से भगवान श्री राम हैं, इनकी हमेशा विरोधी रही है। भगवान राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बने कांग्रेस नहीं चाहती थी, और इसीलिए तो वर्षों तक उन्होंने निर्णय नहीं होने दिया। ये तो भला करो माने नरेंद्र जी मोदी का कि उन्होंने स्वयं ने माननीय न्यायालय से निवेदन किया और उनके निवेदन से रोज की रोज सुनवाई हुई और उसका निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया कि भगवान राम की जन्मस्थली यही है, यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं तो को किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ बन रहा है। इनका विरोध इनकी जगह ठीक है, क्योंकि ये भगवान राम को मानते नहीं हैं, ये भगवान राम को मानते नहीं। मेरा इतना ही कहना है इनसे कि जिस प्रकार से हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इसी प्रकार से मैं भी इस कांग्रेस वालों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस देश में रहते हैं, यहाँ का अन्न जल खाते हैं, तो यहाँ के राष्ट्रीय महापुरुषों का और राष्ट्रीय आराध्य देवों का, विशेषकर भगवान राम का सम्मान करने सीखें, उनकी वंदना करें। देखो, जो काम करेगा उसको लाभ तो मिलेगा, वो सोता ही मिलेगा। भगवान राम की जय जयकार करना, उनके सम्मान में अयोध्या को सजाना, भव्य मंदिर बनाना, यदि उनका लोकार्पण करवाना, प्राण प्रतिष्ठा करवाना, कोई राजनीति करना है और कोई इस बारे में सोचता है कि राजनीति हो रही है, तो उससे ज़्यादा नासमझ कोई नहीं है। देखो, पूरा देश उस दिन खुशियाँ मनाएगा और लाखों करोड़ों दीपकों से देश सजेगा, हर घर में दीपक जलेंगे, तो शिक्षा विभाग कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि देश का पार्ट है वो। तो शिक्षा विभाग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहेगा, यहाँ भी हर उल्लास के साथ उत्सव के रूप में और भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा दिन मनाएंगे। एक राहुल गांधी कहीं से भी शुरुआत करें, वो कहीं से शुरुआत करें, हमारा कोई लेना देना नहीं। अब घूमने का ही तो काम बचा है, सरकार तो उनके पास है नहीं, घूमो मस्त। इस तरह का पाठ्यक्रम शामिल आप इसका होगा? भगवान राम पहले भी पढ़ाए जाते रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे तरीके से उनको जीवन चरित्र को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का मेरा प्रयास रहेगा।